अरे दीदी नाश्ता कर ले। कुसुम उससे पहले मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो ना दीदी। कुसुम अपनी बात समझाने का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मुझे लगता है कि माँ ने तुझे अभी तक अपनाया नहीं और ना ही अपनाना चाहती है, इसीलिए वो तेरे और डैनी के बीच गलत फहमियां पैदा करना चाहती है। कुसुम उस दिन भी जो कुछ हुआ वो उन्हीं का कराया था और आज भी मैंने उन्हें। दीदी आपको माँ पे शक नहीं, मेरी चिंता हो रही है बस। क्या? हाँ दीदी आप जानती नहीं पर उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे माँ को भी बहुत तकलीफ पहुंची है। बिना कहे वो डैनी और मेरे लिए मन्नत भी मांग के आई, उसी के लिए तो उन्होंने आज मंदिर भेजा था मुझे। पर कुसुम आज मैंने उन्हें। नहीं दीदी कम से कम इस बात को शक की नजर से मत देखो। मेरा तो दिल भर आया था जब माँ ने मुझे ये बताया। पापा जी भी कोमा में हैं। दीदी हालात ही ऐसे हैं कि वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाती है, पर मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे अपना लिया है। दीदी मैंने ये महसूस किया है। लो बेकार में परेशान हो गई ना। चलो दीदी हम गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं और फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। कुसुम मेरी बात। चलो। गुड मॉर्निंग कुसुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कभी ने मीटिंग फिक्स कर दी है, भैया को बताए बिना जाना अच्छा नहीं लग रहा। जल्द से जल्द बता दूंगा उन्हें सब। आज तुम जल्दी जल्दी में नहीं बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करोगी। मैंने टिफिन रख दिया है, हॉस्पिटल ले जाना, भूख लगे तो खा लेना। जी। क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो मैं आज घर पर ही हूँ, बाद में खा लूंगी। बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। अरे दीदी ये पपीता खा के देखो ना, बहुत मीठा है। बाद में खाऊंगी। रात को क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खाते? क्या कर रहा है डैनी? लेट हो रहा है, जल्दी कर। भैया मुझे एक छोटा सा काम है, आप चलिए मैं आपको सीधे फैक्ट्री मिलूंगा। ओके काम। चल ठीक है, तो काम खत्म करके सीधा फैक्ट्री पहुंच, लंच साथ में करेंगे। दूसरी बार पूछा तक नहीं क्या काम है। कुमार अभी चलता हूं। ओके चल बाय। भैया। हाँ बोल। अरे क्या हुआ डैनी? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मन किया। देख बेटा तो जानता मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता, अगर मन में कोई बात है तो बोल दे। मीटिंग एट 10, डोंट बी लेट। यही बोलना था। हैव अ गुड डे। यू डू। अच्छा काम खत्म करके फोन कर, साथ में लंच करेंगे। जी ठीक है।
बेल्ट तक। हाँ बेटा दे। चल जल्दी मिलते हैं। Hi, welcome. Hi, welcome, Mr. Danny Vyas. Have a seat. Thank you. These are the samples. Yeah. Please. If you don't mind. आपकी क्वालिटी परफेक्ट है। क्या प्राइस कोट किया था आपने? प्राइस आफ्टर माय मैन्युफैक्चरिंग माय लिटिल मार्जिन दिस इज सर इतने में तो कहाँ हो पाएगा। एक काम करते हैं, आप थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए। अरे बाप रे, आपने तो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। लेकिन इतना नहीं, आप मैं अपना मार्जिन हाफ कर लेता हूँ। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ये लास्ट कोट करता हूं। चलिए फाइनली, ना मेरा ना आपका, इसमें हम डील क्लोज करते हैं। ओके, डील इज डन। एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर डेन, इतनी कम उम्र में आपको बहुत अच्छी परख है कपड़े की। आप जैसे नौजवानों को देखकर बहुत खुशी होती है। थैंक यू मिस्टर डैनी, मैं सारे डिजाइन आपको भिजवा दूंगा और आप फाइनल करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, नाइस मीटिंग। जी बापू, आप यश भाई को बता देना मैं 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। जी, जय श्री कृष्ण। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। दीदी बाय। अपना ध्यान रखना। जी। ऑर्डर दे रही हो? अपने घर में भी बड़ों को इसी तरह से बुलाती थी? जरूरत नहीं पड़ी, मेरे घर वाले आपकी तरह हरकत नहीं करते। कुमुद, मत भूलो कि रिश्ते में मैं तुम्हारी सास लगती हूँ। सिर्फ रिश्ते में, करतूत से नहीं। एक सास तो अपने परिवार को जोड़े रखती है, पर आप तो अपने बेटे की शादी तोड़ने पर तुली हुई है। कल आप कलिका के साथ क्या कर रही थी? किस बात के लिए उसे मुंह बंद करने के लिए कहा आपने? जवाब दीजिए। आप ही ने कलिका को साइट पर भेजा था ना, वो भी कुसुम के कपड़े पहनाकर, ताकि डैनी को लगे कि कुसुम सरस से मिलने गई। पर आपको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भगवान भी ये नहीं चाहता। इसलिए वहां पर गुंडे पहुंच गए कलिका से पैसे लेने के लिए और आपका सारा खेल बिगड़ गया, है ना? कोई मां इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? अपनी जिद के लिए आप अपने बेटे की जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? और कितना आजमाएंगे आप डैनी और कुसुम के प्यार को? क्यों अपने बेटे की जिंदगी के साथ आप इतना खेल रही है? जब तक मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिल जाता, मेरा खून है वो। सौतेला भाई और कल की आई हुई लड़की मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकते उसके लिए। घुमान का इकलौता बेटा इतने छोटे से गांव में इतनी आम लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और तुम्हारे सवाल का जवाब है
हाँ। डैनी के दिल में शक पैदा करने के लिए मैंने ही ये सब कुछ किया, जानबूझकर। पर सच जानकर भी क्या कर लोगे कुमुद? डैनी तो छोड़ो, तुम्हारी अपनी बहन भी मुझ पे भरोसा करने लगी है। अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जाके सरस को भड़काओगी मेरे खिलाफ, है ना? अगर इतना भरोसा है कुसुम के प्यार पर, सरस के प्यार पर, तो बिना किसी की मदद लिए मुझसे लड़कर बताओ, अकेले बोलो, है हिम्मत?